हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं शिवू, स्वागत करता हूं गेटवे और शो के एक नए फेस और इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज मैं दोस्तों बात करने वाला हूं अलग अलग माइक्रोफोन का ऑडियो क्वालिटी के बारे में। अगर आप एक यूट्यूबर है और आपको एक अच्छा माइक चाहिए लेकिन आप डिसीजन नहीं ले पा रहे कि कौन सा माइक और किस टाइप का माइक आपको लेना चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। बट इससे पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट करूँ, आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों मैं यहाँ पे 3 माइक्रोफोन यूज़ करूँगा और उसका जो सैम्पल है वो आपको मैं सुनाऊँगा। पहला जो माइक्रोफोन है वो है दोस्तों लेपिल माइक। ये मार्केट में 200-300 रुपये में मिल जाता है। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप देख के बहुत से चेक कर सकते हैं। दोस्तों जो दूसरा माइक है वो है एक इनबिल्ट माइक मेरे DSLR का। जो DSLR के अंदर जो माइक होता है वो माइक का सैंपल मैं आपको सुनाऊंगा, तो आपको पता चले कि कैमरा के अंदर जो पहले से माइक होता है उसका सैंपल कैसे होता है। और जो मैं तीसरा सैंपल आपको सुनाऊंगा वो है मेरा ब्लू आइज़ भी बहुत ही अच्छा माइक है, USB माइक है, और ये थोड़ा महंगा है। इसका प्राइस अभी 6000 रुपये के आसपास है, लेकिन इसका जो ऑडियो क्वालिटी है स्पेशली नॉइज़ कैंसिलेशन के लिए तो वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होता है। तो ये तीनों सैंपल जो है मैं आपको सुनाऊंगा, तो आप एक अच्छे डिसीजन ले सकते हैं कि आपके वीडियो के लिए कौन सा माइक सही होगा। तो दोस्तों अभी जो आप ऑडियो सैंपल सुन रहे हैं वो रिकॉर्ड हो रहा है मेरे लेपिल माइक से। ये 200-300 रुपये में आता है, तो आप सुन सकते हैं कि इसका ऑडियो क्वालिटी कैसा है। दोस्तों अभी जो आप ऑडियो सैंपल सुन रहे हैं वो मेरे जो DSLR है उसका माइक से आप सुन रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि जो ऑडियो क्वालिटी है वो कैसा है। दोस्तों अभी जो आप ऑडियो सैंपल सुन रहे हैं वो मेरे ब्लू आइस का ऑडियो सैंपल है, तो आप सुन सकते हैं कि इसका ऑडियो सैंपल कैसा है। और दोस्तों मेरा DSLR, मेरा ये 200-300 रुपये वाला माइक और मेरा ब्लू आइस, तीनों का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देखकर बहुत से परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो तीनों माइक्रोफोन है ये तीनों में से कौन सा अच्छा है। जी हाँ, ब्लू आइस ऑब्वियसली ये बहुत महंगा है। दूसरे नंबर पे आता है दोस्तों मेरा लेपिल माइक। देखो ये लेपिल माइक 200-300 रुपये का आता है, लेकिन इसका ऑडियो क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा है क्योंकि ये फेस के एकदम नज़दीक है, तो जो वॉइस एक्चुअली होता है वो ऑडियो होता है वो बहुत जल्दी पिकअप कर लेता है। लेकिन मेरा जो DSLR का माइक है, DSLR मेरे से काफ़ी दूर है, तो उसका जो माइक है उतना अच्छे से आवाज़ नहीं ले सकता, और वो का क्या करता है कि जो बाहर बैकग्राउंड नॉइस है वो ज़्यादा कैप्चर करता है। तो आप सुन सकते हैं कि बैकग्राउंड नॉइस कितना ज़्यादा होता है एक इनबिल्ट माइक में, एक इस टाइप का माइक में, और ये जो ब्लू आइस है इसमें नॉइस कैंसिलेशन है, तो इसमें। तो आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को आप जरूर लाइक शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग टेक वीडियोस लेके आता रहूँगा और आप लोगों को देता रहूँगा। तो मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड विद अस। जय हिंद।